हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिबा एंड वेलकम टू द चैनल दी ऑटो एक्सफोर। आज हम आए हैं टू द सिल्वर सिटी ऑफ ओडिशा कटक में और आज आप लोगों को लेके जाने वाले हैं स्काई ऑटोमोबाइल्स पे, जो कि डील करती है मारुति सुजुकी कार्स पे, जहां पे हम हर एक वीडियो में हर एक गाड़ी की डिटेल आप तक पहुँचाने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं मिस्टर समर से मिलने और वो आज के वीडियो में बताने वाले हैं मारुति सुजुकी डिज़ायर के बारे में, और ये गाड़ी कितनी डिज़ायरेबल है आज के वीडियो में हम पता करने वाले हैं। हेलो मैम, हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी न्यू डिज़ायर के बारे में, जो 2020 का फेसलिफ्ट वर्सन है। इसमें पहला चीज़ क्या चेंज हुआ है मारुति सुजुकी का, इसका जो फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन है, पहले पिछले वाले से नया वाला थोड़ा ब्रॉड किया हुआ है, और इसमें क्रोम का एक सिंगल क्रोम डिज़ाइन तरह बना हुआ है, और सुजुकी का लोगो जो ब्रॉड थोड़ा ब्रॉड है। फिर उसके बाद हम इसमें ऑप्शन है प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ सिग्नेचर DRL इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ, और फॉग लैम्प, दोनों साइड पे फॉग लैम्प का ऑप्शन भी है। टॉप मॉडल में फॉग लैम्प का ऑप्शन आता है, जो कि आपको VXM में नहीं मिलेगा, कि लोअर वर्जन में नहीं मिलेगा। और उसमें फॉग लैम्प के पास देखिए, ये जो ब्रॉड क्रोम डिज़ाइन नया किया गया है, गाड़ी को थोड़ा मोर अट्रैक्टिव और वो स्टाइलिश बना लुक्स देता है। फिर इधर लार्ज विंडशील्ड और दो वाइपर वॉशर का ऑप्शन है। अभी हम इसके टायर के बारे में बात करेंगे। टायर तो जो दिया हुआ है, इसमें प्रिसीजन कट अलॉय व्हील का ऑप्शन, 15 इंच अलॉय व्हील का ऑप्शन है, जो कि टॉप वेरिएंट में आता है। आप चाहेंगे तो इस जो LXA VXA वर्जन में अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जो उस पर आप ऐड भी कर सकते हैं एक्सेसरीज पे LXA VXA में। और अलॉय व्हील के साथ ये सुजुकी का डिस्प्ले लोगो भी इधर दिया हुआ है, जो कि गाड़ी को और प्रीमियम लुक और स्टाइलिश बनाता है। फिर ओआरवीएम विथ, इसका जो ओआरवीएम बॉडी कलर ओआरवीएम विथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ, और बॉडी कलर डोर हैंडल गाड़ी को और लुक्स और भी प्रीमियम बनाता है। पीछे का भी डोर का बॉडी हैंडल बॉडी कलर डोर हैंडल आता है, और अलॉय व्हील भी सेम ही अलॉय व्हील, और एक कैरेक्टर लाइंस दिया हुआ है इधर से, जो कि गाड़ी का और भी स्टाइलिश बनाता है। और उसका भी बी पिलर भी ब्लैक कलर अब ब्लैकआउट है। अभी हम इसका रियर के बारे में बात करेंगे। आइए, इसका रियर प्रोफाइल के बारे में हम बात करेंगे। तो रियर प्रोफाइल में ये रियर कॉम्बिनेशन टेन लैंप और हाई माउंटेड स्टॉम्प लैंप इधर दिया हुआ है, रियर डिफॉगर और ऊपर रूफ एंटीना, और इधर सुजुकी का लोगों का डिस्प्ले है, जो कि गाड़ी को और भी बेहतरीन बनाती है, लुक्स और भी अच्छा है। इधर डिज़ायर का डिस्प्ले है, डिज़ायर का, और रियर बम्पर में सेंसर इनबिल्ट है, दोनों साइड पे दो सेंसर इनबिल्ट है, और बम्पर के नीचे रियर रिफ्लेक्टर, टू रिफ्लेक्टर है। और इधर कैमरा का ऑप्शन है, आपको मिल जाएगा कैमरा का ऑप्शन रियर में, जो कि टॉप वेरिएंट में कैमरा का ऑप्शन आता है। अभी हम इसके बूट स्पेस के बारे में बात करेंगे। इसमें बूट स्पेस जो है तो 378 लीटर्स का ऑप्शन है बूट स्पेस का, और इधर स्पेयर व्हील आपका जो रहता है, इधर नीचे स्पेयर व्हील का ऑप्शन है, स्पेयर व्हील इधर ही रहता है। अभी हम न्यू डिजायर के इंजन के बारे में बात करेंगे। जो फेसलिफ्ट वर्सन न्यू डिजायर है, उसका BS6 कंप्लायंट इंजन है, और इसका जो इंजन कैपेसिटी है 11,096 CC, और इंजन जो पावर, इसका जो पावर इंजन का पावर है, वो पावर है आप 66 किलोवाट एट द रेट 6000 RPM, और टॉर्क देती है 139 Nm एट द रेट 4400 RPM। और माइलेज के बारे में बात करेंगे तो इसका माइलेज भी बहुत ही बेहतर है, 23.26 पर लीटर माइलेज है। हम बात करेंगे न्यू डिजायर के थोड़ा इंटीरियर के बारे में। इसका जो इंटीरियर है, डुअल कलर इंटीरियर, जो ब्लैक विथ बेस कलर का है और विथ वुडन फिनिश। और इसका स्टेयरिंग के बारे में बताना चाहूँगा आपको, 3-spoke स्टेयरिंग व्हील विथ पावर स्टेयरिंग एनाबल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग ऑप्शन। स्टेयरिंग में आपको फीचर्स मिलेगा, लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील, जो कि टॉप वेरिएंट में आता है, जो आपको VXA LXA में नहीं मिलेगा। और स्टेयरिंग में आपका ऑडियो कंट्रोल्स इनबिल्ट इंटीग्रेटेड ऑडियो कंट्रोल्स, आपका कॉलिंग कंट्रोल्स,
क्रूज कंट्रोल्स विथ क्रूज कंट्रोल के साथ, और स्टेयरिंग को देखिए क्रोम एसेंट जो दिया हुआ है स्टेयरिंग के ऊपर, ये वाला ये जो क्रोम एसेंट ये और ही गाड़ी को स्टाइलिश और बेहतरीन लुक्स देता है जो कि प्रीमियम फील होता है। और आप इधर ही देखेंगे सुजुकी का ब्रॉड लोगो डिस्प्ले होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे MID का TFT स्क्रीन विथ MID, जिसमें आपको RPM का डिस्प्ले और टेम्परेचर का डिस्प्ले मिल जाता है। फिर इधर स्पीडोमीटर और फ्यूल इंडिकेटर का डिस्प्ले रहता है। फिर बाकी डिस्प्ले में आपको फ्यूल एवरेज फ्यूल और आउटसाइड टेम्परेचर ये सब आपको इधर डिस्प्ले ही मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कंफर्ट और कन्वीनियंस ऑप्शन है। सब एक ही जगह में आपको सब कुछ इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। फिर इसके बाद बात करेंगे हमको AC वेंट्स, देखिए क्रोम एसेंट दिया हुआ है AC वेंट्स में। क्रोम एसेंट गाड़ी को डिज़ाइन को थोड़ा प्रीमियम बनाता है। सेंट्रल लुकिंग ऑप्शन इधर, सेंट्रल इंडिकेटर का ऑप्शन इधर है, और AC वेंट ये मिडिल में दो, और उधर को ड्राइवर के पास और इधर के ड्राइवर के पास दिया हुआ है, जो कि थोड़ा कूलिंग और भी कूलिंग बेहतरीन देता है गाड़ी को। और नीचे आप गियर की तरफ आएंगे तो क्रोम, इसमें भी क्रोम का डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि वो भी प्रीमियम फील देता है। और आपको हैंड गियर पे इसका नॉब भी क्रोम लीवर दिया हुआ है, जो कि हैंडल क्रोम लीवर दिया हुआ है, वो भी प्रीमियम बनाता है गाड़ी को। और इसका डिस्प्ले है जो स्मार्ट प्ले स्टूडियो का डिस्प्ले दिया हुआ है, म्यूजिक सिस्टम जो टॉप वेरियंट में आपको ये मिल जाता है स्मार्ट प्ले स्टूडियो। आप इसमें नेविगेशन, ब्लूटूथ, मीडिया, आपका फ़ोन कनेक्शन सब ऑप्शन इसमें आप ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, कनेक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। और नीचे की तरफ देखिएगा इधर पेन ड्राइव का एक्सेस ऑप्शन है, आप इधर आपका पेन ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल पे ऑक्सिलरी पोर्ट भी दिया हुआ है, मोबाइल को भी आप ऑक्सिलरी पोर्ट के मोड पे डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट को ड्राइवर के पास आप देखेंगे ग्लोव बॉक्स है, इसमें आप सामान वगैरह कुछ रख सकते हैं, और डुअल एयरबैग्स इनबिल्ट है। ऊपर की तरफ सनवाइज़र विथ टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, और को ड्राइवर के पास सनवाइज़र विथ वैनिटी मिरर का ऑप्शन है, और इनसाइड कैबिन लैंप इधर दिया हुआ है, इसका ऑन ऑफ ऑप्शन भी आपको इधर ही मिल जाता है। और कैबिन लैंप के पास आपको दो रिसीवर भी मिलेगा, इधर साउंड रिसीवर का ऑप्शन है। एसी का ऑप्शन में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ऑप्शन मिलता है और ऑटो एसी है, और रियर का डिफोगर ऑप्शन भी इधर मिल जाता है। आप आपके एडजस्ट के मुताबिक, टेम्परेचर के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं, या ऑटो एसी के ऑप्शन में भी डाल सकते हैं। मारुति का जो टॉप सुजुकी डिज़ायर टॉप मॉडल, इसमें आपको रिमोट कीलेस एंट्री मिलता है। रिमोट कीलेस एंट्री जो टॉप वेरिएंट में आपको इंजन पुश स्टार्ट ऑप्शन, इंजन स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, इधर वो आप इंजन स्टार्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और की भी आपका पास ही रहेगा तो आप ऑन कर सकते हैं इधर। और नेक्स्ट ये डोर में आपका सब ऑप्शन दिया हुआ है। ऑल फोर पावर विंडो का ऑप्शन इधर है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेंट्रल लुकिंग का ऑप्शन इधर है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। और दोनों साइड URBM का जो है, URBM का आप इधर एडजस्टेबल रिक्टेक्टेबल ऑप्शन है, और फोल्डेबल भी आप इधर से ही इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, इसका बटन है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपका दोनों साइड मिरर ऑटोमेटिकली फोल्डेबल और ऑन ऑफ हो सकता है। और डोर के बारे में हर बात करेंगे तो डोर का हैंडल जो है आपको क्रोम इनसाइड क्रोम डोर हैंडल दिया हुआ है, जो गाड़ी का प्रीमियम लुक्स देता है। और इधर नीचे के तरफ देखिए 1 लीटर बोतल होल्डर दिया हुआ है ड्राइवर के साइड डोर पे, और वो को ड्राइवर के साथ भी ऑप्शन है। और इधर आप कुछ भी यूटिलिटी सामान डाल सकते हैं, छोटा सा स्पेस दिया हुआ है, ऊपर की तरफ भी दिया हुआ है। और ये हार्ड प्लास्टिक बनाया हुआ है विथ फैब्रिक, थोड़ा फैब्रिक के साथ। और आप देखिए पीछे मैं इतने कम्फर्ट में बैठा हूँ, और मेरा हाइट 5'7" है, फिर भी मेरा इतना हेडरूम इसमें है, फिर भी मेरा सर ऊपर नहीं लग रहा है, और बहुत ही कंफर्ट 3 persons बहुत ही कंफर्ट में पीछे बैठ सकते हैं। रियर की बात करेंगे हम न्यू डिज़ायर फेसलिफ्ट के, तो रियर में आपको भी कैबिन लैंप का ऑप्शन मिलता है, इधर भी आप उसका कंट्रोल कर सकते हैं। और रियर सीट में के बारे में बात करेंगे तो रियर सीट के सीट में भी आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलता है, जो कि बहुत ही कम्फर्ट आपको देता है लॉन्ग ड्राइव पर। और रियर सीट में आपको ऑप्शन मिलता है, सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलता है, इधर दोनों साइड पे सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलेगा। और रियर में आपको एक अच्छी बात मिलता है, इधर रियर आर्म रेस्ट विथ कप होल्डर, अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं तो आप कुछ भी इधर आपका बोतल वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स रख के आर्म रेस्ट करके आप कंफर्ट फील कर सकते हैं। और रियर में स्पेस भी बहुत अच्छा है,
और आपका दोनों साइड रियर का भी डुअल टोन इंटीरियर इनेबल है, दोनों साइड पे आप देखिएगा डोर हैंडल भी क्रोम इनेबल है बोथ साइड पे, और इधर पीछे के डोर पे भी आपको दोनों स्पीकर्स मिलते हैं, जैसे फ्रंट पे ड्राइवर और को ड्राइवर का स्पीकर था, और 1 लीटर बोतल होल्डर भी ऑप्शन है, और पीछे के सीट पे आपको इधर मैप पॉकेट्स मिलता है, आप इधर भी कुछ भी मैगजीन वगैरह आप डाल रख सकते हैं, और पीछे ये एसी वेंट आपका ब्लोअर और एसी वेंट का ऑप्शन है, आप इस इधर भी इसको फ़ैन को आप ब्लोअर कंट्रोल कर सकते हैं, इधर 12 वोल्ट का इलेक्ट्रो आपको मोबाइल पोर्ट का चार्जिंग का 12 वोल्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, आप इधर आपका मोबाइल रख के चार्जिंग भी कर सकते हैं। गाइस गाड़ी चलाने के बाद हमें ये पता चला है कि गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है, फ्यूल एफिशिएंट भी है, और ये एक कॉम्पैक्ट सेडन है जो कि बजट फ्रेंडली भी है। इसके बारे में और भी जानने के लिए, प्राइस लिस्ट के बारे में जानने के लिए पर्टिकुलरली, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और हाँ अगर कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट डाल के पूछ भी सकते हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना, और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।